चाहो ना दिखाओ जरा बहन दिखाओ, ये देख सकते हैं नाजरीन, ये सालन बनाया हुआ है बहन ने और ये अभी रोटी बना रही हैं, आप लोग देख सकते हैं ये रोटियां बना ली हैं और ये लाइफ है गरीब आदमी की, ये जिंदगी है रेत के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अजीज़ो कारी, मेरे दोस्त बाप, जितने मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले, आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और बेल आल को जरूर दबालिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक फौरन पहुंच सके, शुक्रिया। तो जैसा कि नाजरीन, ईद पे भी मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, अपने गरीब भाइयों के पास यहाँ पे आ रहा हूँ और इनके हालात दिखा रहा हूँ, चाहे किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। मैं यकीन करें इनके पास इसीलिए आता हूँ इन गरीब भाइयों की कुछ मदद हो सके। कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पे घर की छत नहीं है, कहीं पे इनके पास राशन नहीं है, तो खुदारा मेरी सबसे अपील है ऐसे जो गरीब भाई हैं हमारी, उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें ताकि इनकी हम मदद करेंगे। ये बेचारे किसी के पास जगह छत नहीं है तो छत लगवा दें, अगर किसी के पास राशन नहीं है तो राशन दिलवा दें, अगर किसी के पास पानी नहीं है तो पानी दिलवा दें। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे अपने गरीब भाइयों की सपोर्ट करें, मदद करें और इंशाल्लाह ताला हम सारे मिलजुल के अपने इन गरीब भाइयों की सपोर्ट करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे और ये काम हम लोग जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपके वालदेन को, जिनके वालदेन हैं सलामत रखे, अगर जिनके वालदेन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी मगफर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक आपके घरों में रिस्क और कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके घरों में ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता खुश रखे। और चलते हैं मजीद इनके घर, आपको विजिट करवाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें हमारे गरीब आदमी थर के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। चलते हैं मजीद इनके घर। तो जैसा कि नाजरीन यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे एक घर मुझे नज़र आया और यकीन करें मैं देखकर हैरान हुआ हूँ किस तरह ये बेचारे बैठे हुए यहाँ पे और ये किस तरह रह रहे हैं। इस बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश भी माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई है। यहाँ पे मैंने देखा ये घर मुझे नज़र आया इस जगह पे और इनके मस्जिद में घर चलता हूँ, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं। भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, सामने ये घर है इनका, तो इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बेचारे गरीब लोग किस तरह अपनी थर के अंदर लाइफ गुजारते हैं और किस तरह ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और इन्होंने ये अपनी कांटों की बाड़ की हुई इस तरह और ये इस तरह ये अपनी लाइफ गुजारते हैं थर के अंदर। ये देख सकते हैं नाजरीन, ये गरीब आदमी की क्या लाइफ होगी, क्या ज़िंदगी होगी। यकीन करें जब आप उनके पास आते हैं चल के, उनसे बातचीत करते हैं, तभी पता चलता है। मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ और अपने गरीब भाइयों के पास आया हूँ, उनके पास इनके दुख शेयर कर रहा हूँ आप लोगों तक और अपनी गवर्नमेंट तक, ताकि इन गरीबों की कुछ मदद हो सके। चलते हैं मज़ीद इनके पास। भाई क्या हाल है भाई आपके? ठीक है भाई, आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कैसे हो? इधर जंगल में बैठे हुए हो, ये घर है? बैठे है भाई। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूँ। क्या हाल है और भाई ठीक हो? ठीक हूँ, अच्छे हूँ। हाँ, ये जंगल में, जंगल में इधर बैठे हो, ये घर है आपका? ये हमारा घर है। हाँ जी हाँ। तो क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम भूरा है। भूरा, भूरा भाई ये फिर जंगल में किस तरह आपकी लाइफ गुजर रही है, ये इधर बैठे हो बीच में ऐसे ही बस? हाँ, इधर क्या आपकी फसल है ये लगानी है आप लोगों ने, या इधर बैठे हो या इधर ही रहते हो? अच्छा जी हाँ। तो ये बारिश वगैरह आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? यही है बस, ऊपर देते हैं। हाँ, नीचे बैठे होते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है। तो नहीं, ऊपर ये बारिश में फिर आपके बिस्तरे वगैरह ये किस तरह आप लोग गुजारा करते हो यार? ये कागज है जो वो इस पे डालते हैं। हाँ, इसके नीचे बैठते हैं। इसके नीचे बैठ जाते हो जी। तो सोते हो कहाँ पे? हो सोते इधर, ये वो पे ही है, उधर इधर टिक्का लगा के उस पे सोते, इधर जमीन पर ही सोते। जमीन पर ही जी? तो ये जमीन पे सांप वगैरह या बिच्छू इस तरह की चीजें होती है, वो ऐसे खड्डा लगा के नाली बना के उसमें फिर टिक्का होगा, ये पड़ा है। हाँ हाँ, ऐसा टिक्का बना के उसमें सोते हैं। अच्छा, लकड़ियों पे यो इधर पे ही बनी है हमारी, उस पे सोते हैं। उधर उस साइड पे बनी हुई है? आजो उधर बहन भी है जी हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और भाई के पास, भूरा नाम बताया ना जी जी, भूरा भाई है। ये आपके मेहमान है या? ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? तो वो भाई, वो मेरा भाई, वो आपके बड़ा है छोटा है? अच्छा, वो भी इधर ही रहते हैं जी। आप लोग इसी तरह इधर जिंदगी गुजारते हो? तो ये आपका बेटा पढ़ता है या नहीं? जी जी, आप पढ़ता है। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजा है। राजा भाई कौन सी क्लास में हो? जी, सेवन्थ क्लास में। सेवन्थ क्लास में जी।
तो पढ़ाई अच्छी लगती है कि नहीं? जी। तो यहाँ पे किस तरह जिंदगी गुजरती है? बस ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हुए हो? जी। तो ये देख सकते हैं नाजरीन, ये भाई छोटा बेटा है भाई का, और ये माशाल्लाह 7th क्लास में पढ़ता है। और यहाँ पे जिंदगी अच्छी लगती है कैसी तरह के अंदर? बस ऐसे ही, बाबा वाले यहाँ हैं तो हम भी यहाँ। हाँ, तो यहाँ से कितनी दूर पढ़ने जाते हो? यहाँ से नबी सत्थर तक। नबी सत्थर तक जाते हो? तो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर तो होगा? जी हाँ। ऐसे माशाल्लाह, गुड यार, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने नाज़रीन को बता चलूँ, जिस तरह ये इनका बेटा पढ़ रहा है। बारिशें हुई? जी हाँ, बारिश कैसी हुई है? अभी तो हल्की हुई है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह इस बार। अल्लाह से दुआ है कि बारिशें आप लोगों के पास बहुत अच्छी हों। मेरी भी, हमारी भी दुआ है आप लोगों के पास बारिशें होंगी, आप लोगों के पास फसल आएगा, कुछ अनाज आएगा, तो आपके चेहरों पे भी कुछ मुस्कुराहट आएगी। आपके पास अनाज होगा, आपके पास भी खुशहाली आएगी। तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं। आज उधर बहन के पास तो आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, भाई क्या नाम है आपका? भाई बड़े गुस्से में खड़े हुए हैं भाई। हेलो, कैसे, ठीक हो? जी, तो कैसे खुश हो इस थर की ज़िंदगी में? जी हाँ। जी, तो नाजरीन देख सकते हैं आप लोग, भाई का नाम, सॉरी मैंने भूल गया, साईं दाद। तो भाई कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम लोग इस अपनी ज़िंदगी में, ये झोंपड़ियों के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं। जी, इसी तरह रहते हो? पैंतीस चालीस साल ज़िंदगी हो चली है, इसी तरह गुजार रहे हो? हाँ, हमारा घर है झोंपड़ियाँ। हाँ जी, पैसे वैसे नहीं है ना जी, जो घर बना सकें? जी, फसलें हुई नहीं थी पिछली तो मरतबा, जी, तो उसी वजह से हालात काफ़ी टाइट हैं थर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, ये गरीब आदमी की क्या सोच होगी बेचारे की, क्या परेशानी है। ये गरीब आदमी क्या कर सकता है जिसके पास घर भी ना हो? इस तरह इन्होंने बना के, जैसे ये बेचारी इन्होंने कहते हैं वो मुसाफिर होता है जिस तरह बैठा हुआ, वो उस तरह ये बैठे हुए हैं बेचारे। और ये अपना इनका घर है, ये कंडी का दरख्त है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं बेचारे। इस तरह ये एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे बहन है, एक रोटियाँ बना रही हैं। चलते हैं मज़ीद उनके पास और उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये आपका, ये भी इधर नीचे खाना बनाते हो और ऊपर सोते हैं? ये चारपाई है आपकी? ये चारपाई। हाँ, तो इधर नींद आ जाती है? हाँ, नींद नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, ये भाइयों की जगह बनाई हुई है सोने की, और यहाँ पे बहन खाना बना रही है, रोटियाँ बना रही है। मैं अपने नाजरीन को बता चलूँ, ये इन्होंने ऊपर ये जब रखा हुआ, इसको बारिश की वजह से, ये बारिश में इधर देते हो इसको? अच्छा, तो बारिश, ये तूफान हवा है तो साइडों से पानी आता होगा, फिर क्या करते होगे यार? ऐसे बैठे होते हैं, बारिश बंद होती है तभी सही हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, एक गरीब आदमी की लाइफ, गरीब आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजारता है अपने घर के अंदर, मैं अपने नाजरीन को दिखाता चलूँ। ये बेचारे गरीब लोग जो यकीन करें, जिनके पास घर नहीं है, बारिशें का सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है और इनके पास घर नहीं है, और इस तरह ये बेचारे बैठे हुए हैं और ये इनकी लाइफ है, यकीन करें मैं देखकर बड़ी हैरानगी होती है। यहाँ पे बहन से भी पूछेंगे मज़ीद, ये देख सकते हैं आप लोग, बहन रोटियाँ बना रही है, यहाँ पे इनसे भी बातचीत करते हैं। अदी अदी तवें नालो सकीना, अदी केड़ी परेशानी थे तवांगे? घर यही है। तो जैसा कि नाजरीन बहन कह रही है, घर हमारे पास यही है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारे हालात है जो आप देख रहे हैं। अदी बीवी को परेशानी मुझे बताए जो, हाँ। तो नाजरीन आप लोग देख सकते हैं, गरीब आदमी, बहन कह रही कि ना हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं, ना हमारे पास घर है, ना घर सर ढकने के लिए छत है, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, कहती मैं इसके नीचे यहीं पे सो जाते हैं हम लोग, और ये जो जगह बनाई हुई है यहीं पे सो जाते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बैठ के नीचे खाना बना लेते हैं गर्मी में, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सालन वगैरह बनाया हुआ है बहन, क्या बनाया आपने सालन, क्या बनाया है? सालन ये चौरों का बनाया है। चौरों दिखाओ ज़रा बहन, दिखाओ। ये देख सकते हैं नाजरीन, ये सालन बनाया हुआ है बहन ने, और ये अभी रोटी बना रही हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रोटियां बना ली हैं, और ये लाइफ है गरीब आदमी की, ये ज़िंदगी है रेत के अंदर, और ये खाना बनाना, ये रोटी बनाना, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, यकीन करें इंतहाई मुश्किल है।
आप लोग जब इनके पास आओगे ना, इनके पास बैठो, इनके पास हालात पूछो, इनसे बातचीत करो, तब आप लोगों को महसूस होगा और एहसास होगा कि एक गरीब आदमी जो है थर के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारता है। जो महलों में रहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं, यकीन करें मैं उनसे कहता हूं कि वो एक बार आएँ इधर आके विज़िट करें, ताकि आप लोगों को पता चले एक गरीब आदमी की लाइफ कैसी है और कैसी गुजरती है यहाँ पर, और किन हालात में और किन परेशानियों में गुजरती है। देखकर यकीन कर बड़ा दुख होता है। आप लोग मुझे बताएं इस रेत के अंदर इस तरह ये रोटी बनाएंगे या इस तरह सालन बनाएंगे, कोई चीज़ बना के मुझे दिखाएं। ये बहन हमारी इधर इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ये भाई हमारा इधर इतने अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में गुजार रहे हैं। ये इनकी लाइफ है थर के अंदर, जो गरीब लोगों की। एक्चुअल में उनके पास आता हूँ और ईद का दिन है दूसरा, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने गरीब भाइयों के पास और इनकी आवाज़ उठाने, इनकी मदद के लिए, ताकि इन गरीबों की कुछ मदद हो सके। बहन और कुछ कहना चाहती हो? हाँ दी, घर नहीं है, घर घर का हो जाए ना। तो जिस तरह नाजरीन बहन कह रही हमारे पास घर नहीं है, खुदा रहा हमारी कोई ऐसी मदद कर दो ताकि हमारा घर बन जाए। तो आदि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका घर बने। ये देख सकते हैं नाजरीन आप लोग, ये यहाँ पे सोते हैं और ये भाई यहाँ पे इसी तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं और इसी तरह रहते हैं। ये थर की ज़िंदगी और थर के जो लोग हैं बेचारे गरीब, वो अपनी इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मज़ीद में आप क्या बोलूँ नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं ये ज़मीन इधर किसी की है या अपनी है? ज़मीन तो अपनी है, इन पे भी रगड़ा चल रहा है। वो दूसरे लोग है हमारे चाचे वाले, वो बोलते थे ये हमारी है, आपकी नहीं है। हाँ। उसी तरीके से बैठे तो है मगर खेलने भी अभी नहीं देते। क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं ये हमारी है, तुम्हारी नहीं है, निकलो इधर से। अच्छा, वो आपके चाचा है? जी हाँ। वो पैसे वाले हैं कुछ? वो पैसे वाले। अच्छा, तो ये अपने रिश्तेदार भी अपने ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं। बड़ी दुख की बात है, जो अपने भी होते हैं वो भी ऐसे करते हैं। गैर तो गैर सही, लेकिन अपने भी ऐसे करें तो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, आपकी जो हेल्प है मुझसे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह की बैठ के भी आपका कोई मसला हो तो हल कराएंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पे मैं आया आप लोगों को विज़िट कराई, यहाँ पर किस तरह ये बेचारे घर है जो बेचारा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इस बारिशों के अंदर। ये जब बारिश होगी तब यकीन करें इनके क्या हालात होंगे, किस तरह ये बेचारे रहेंगे। तो मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ हूँ और दुख की बात है। ऐसे घर जो हैं, यकीन करें बेचारे जो बारिशों के अंदर उनके हालात कैसे होते हैं, जब आए आप लोग देखें इनके हालात, तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बयान करूं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो जैसा कि नाजरीन मैं यहाँ पे आया आप लोगों को विज़िट कराई, ये घर मुझे नज़र आया साइड पर, तो मैं यहाँ पर पहुँचा इनके पास, देखा मैंने कहा ये बारिश का सीज़न चल रहा है और ये बेचारे किस तरह अपनी लाइफ यहाँ पर गुजार रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं। यकीन करें ये बेचारे किस तरह के घर में रह रहे हैं और क्या इनकी हालत है, यकीन करें तन पे कपड़े ना हो और ये बेचारे किस तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारते हों। गरीब आदमी की क्या लाइफ होगी, कुछ भी नहीं है। मैं ईद के मौके पे मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने गरीब भाइयों के पास इनकी आवाज़ उठाने, इनकी मदद करने, ताकि ये बेचारे जो गरीब यहाँ पर बस रहे हैं वो ये ना कहें यार ये भाई ईद पर भी बैठ गया घर। नहीं, मुझसे सुकून नहीं रहा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आया हूँ अपने गरीब भाइयों के पास इनकी आवाज़ उठाने, इनकी मदद करने। तो दारा प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने ऐसे गरीब भाइयों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मेरी एनजीओ से और गवर्नमेंट से अपील है, खुदारा ऐसे जो घर हैं बेचारे उनकी आके यहाँ पर मदद करें, इनके घर बना के दे दें ताकि ये बेचारे अपने सर ढकने के लिए जगह तो मिल जाए। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और दूसरी जो एनजीओ से किसी किस्म की भी एनजीओ से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ खुदारा ऐसे गरीबों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। तो ओवरऑल थर के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे विज़िट करता हूँ, अपने गरीब भाइयों की आवाज़ उठाता हूँ ताकि इन गरीब भाइयों की कुछ मदद हो, इनके घरों में भी कुछ खुशहाली आए, कुछ बेहतरी आए। ये भाई का बेटा है, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, ये पढ़ रहा है 7th क्लास में, अल्लाह ताला इसे कामयाब करे, ये अच्छी तालीम हो, वालदेन के जो सर पे बोझ है वो हल्का हो सके, ये भी बड़ी खुशी की बात है। ये बेचारा आज यहाँ पे आया पढ़ रहा है और पढ़ के अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर कर लेगा। भाई आप अच्छी तरह मेहनत करके दिल लगा के पढ़ो, ये जो घर हैं आप पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, कुछ बन जाओगे, अल्लाह ताला आप मदद करने वाला है तो आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। अगर इसी तरह ये आप पढ़े हो, नहीं पढ़े आप लोग, नहीं पढ़े कुछ नहीं किया तो आज बेचारे धिक्के खा रहे हो ना, तो इसी तरह आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, आगे कुछ बन जाएंगे, कुछ जॉब मिल जाएगी इनको,
तो ताकि आपके घरों में भी कुछ बेहतरी आ जाएगी, वरना सारी जिंदगी तो आपने इन घरों में गुजार दी है। हाँ, तो आगे भी जाहिर सी बात है अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये भी ऐसे गुजार देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल करेंगे और इनके घर में भी कुछ बेहतरी आएगी, कभी ना कभी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा भाई उनकी मदद करूँगा, बारिश से पहले पहले तो यहाँ पे ज़रूर मैं आऊँगा। अगर किसी भाई ने भी इनकी सपोर्ट करनी हो तो खुदारा इन भाई की सपोर्ट कर सकते हैं, 0333-382-0003 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इन भाइयों की हम लोग मिलकर मदद कर सकते हैं। अगर किसी भी ने भी मदद करनी हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे इन गरीब भाइयों की मदद कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम करना ऐसे अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप दोस्तों तक फ़ौरन पहुँच सके। मेरी वीडियो को लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, अपने दोस्तों तक और अपने अजीज़ों तक फैलाएं ताकि हम सब मिलके इन गरीब भाइयों की मदद कर सकें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।